रामनवमी पर खरगोन हिंसा में घायल युवक शिवम को होश आ गया है। फिलहाल खतरे से बाहर है शिवम। इंदौर के अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुझसे वीडियो कॉल पर बात की है, पूरी तरीके से शिवम सुरक्षित है, उससे किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई है। ये जो फैलाई जा रही है सारी अफवाहें हैं। खरगोन में आज प्रशासन ने जुमे के रोज घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। किसी को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। खरगोन में कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। खरगोन में आज दोपहर माफी जगह सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी और ये छूट महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी। मध्य प्रदेश में खरगोन के आनंदनगर में रात 9:30 बजे पथराव की अफवाह के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कुछ उपद्रवी दिखे। पुलिस को देखकर वहां से भाग निकले। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने अफवाह से सावधान रहने की चेतावनी भी दी। खरगोन में रामनवमी जुलूस हिंसा मामले में 34 FIR दर्ज। अब तक 121 आरोपी जेल भेजे गए। करीब 20 लोग पुलिस हिरासत में। खरगोन हिंसा मामले में PFI कनेक्शन भी आया सामने। MP BJP अध्यक्ष BD शर्मा ने यह कहा है कि खरगोन हिंसा में PFI का हाथ है। ये घटना पूर्व नियोजित थी। जिस प्रकार से खरगोन की जो घटना हुई, एक साथ इस प्रकार से आगजनी होना, पत्थरबाजी होना, ये सुनियोजित षड्यंत्र था। और इसमें कहीं न कहीं मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि इसमें कई प्रकार की ताकतें इन्वॉल्व हैं। PFI से लेकर के और भी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रकार की अस्थिरता लाना चाहते हैं। CCTV में तलवार लहराते और पथराव करते दिख रहे हैं दंगाई। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा खरगोन में स्थिति अभी नियंत्रण में है। खरगोन हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आया सामने। कहा हिंदुस्तान को गली मोहल्ले में बंटने नहीं देंगे। कुछ लोग जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, आप गली को बांट रहे हैं। क्या भारत में कोई बंटवारा हो गया? रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा के बाद खरगोन की गलियों में पसरा है सन्नाटा। ABP न्यूज की टीम ने रात में हालातों का जायजा लिया। गश्त करता दिखा पुलिस का घुड़सवार दस्ता। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। खरगोन में हिंसा के बाद कई इलाकों में वीरानी छाई हुई है। लोग अपना घर बार छोड़कर यहां से जा चुके हैं। हिंसा में खरगोन का भवसर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मकान और दुकानें जली हुई हैं। मोहल्ले की महिलाओं ने सुनाई उस रात की आतंक की दास्तां। दुकान में आग लगाई उन्होंने, आग लगा के और अंदर घुस आए। हमारे दो बच्चे, ससुर जी बूढ़े, उन्होंने ऐसे ऐसे दरवाजा पकड़ा तो भी वो अल्लाह हो अकबर और ऐसे नारे लगा रहे और बच्चे डर गए हमारे। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान का हिंसा पर बड़ा बयान। कहा हमारी नजर में सभी बराबर हैं, किसी भी जाति धर्म के हों। बदमाश और गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई रहेगी जारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए आए नजर। कहा अगर राज करने वाले बुलडोजर चलाएंगे तो देश में संविधान का राज कहां रहेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में तिलक समारोह में झगड़े के बाद नशे में धुत युवक ने भीड़ पर कार चढ़ाई। सूरज यादव नाम के युवक की मौत। 6 लोग घायल। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। 24 अप्रैल को PM मोदी के कश्मीर दौरे से पहले आतंक पर करारा प्रहार। शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में अब तक 4 आतंकी ढेर। मौके पर जाते समय हादसे में 2 सैनिकों की भी मौत। जम्मू कश्मीर में हवाला के पैसे के लेन देन में गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व मंत्री बाबू सिंह से अब राज्य की जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। जम्मू में हिंसा फैलाने के मकसद से POK और टोरेंट से भेजा गया था पैसा। गृह मंत्रालय ने मुश्ताक अहमद जरगर को आतंकी घोषित किया। 1999 में कंधार हाईजैक के बाद रिहा किया गया था। इन दिनों पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल है। कश्मीरी पंडितों को मिली धमकी के खिलाफ आज जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। आतंकी संगठन लश्करे कश्मीर ने भेजी थी धमकी भरी चिट्ठी। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से कूदने वाली लड़की की हुई मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट के एसी में ब्लास्ट हुआ, 6 लोग घायल, अस्पताल में कराया सभी को भर्ती। बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करी को रोकने की सारी कोशिशें नाकाम, बलथरी चेक पोस्ट के पास लग्जरी कार से 570 बोतलें अंग्रेजी शराब की बरामद हुई, कार की छत में बॉक्स में बनाकर शराब की बोतलें रखी हुई थी। यूपी के मुरादाबाद में 2 ट्रेनों में हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 2 बदमाश फरार हुए, लूट का माल भी बरामद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को करेंगे संबोधित, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा कार्यक्रम। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का दूसरा गुजरात का दौरा, 18 अप्रैल से 3 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, बनासकांठा में 3,00,000 महिलाओं को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का आज अयोध्या का दौरा, रामलला के दर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और आईबी के डायरेक्टर अरविंद कुमार के श्रीनगर दौरे का आज है दूसरा दिन, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। देश के अलग अलग राज्यों में मनाया जा रहा है नववर्ष, पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के राज्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं। तमिलनाडु में लोग मना रहे हैं नया साल, कोयम्बटूर के मुथु मरियम्मन मंदिर में सजाया गया, इस अवसर पर लोग देवी की पूजा करते हैं। गोवा में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे, राजधानी पणजी में इमैकुलेट चर्च के अंदर प्रार्थना की। देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले, एक्टिव केस 11,000 के पार, 24 घंटे में 949 नए संक्रमित मिले, 6 लोगों की मौत। दिल्ली में फिर से बढ़े कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 325 संक्रमितों की पुष्टि, 20 अप्रैल को बुलाई गई है डीडीएमए की बैठक। नोएडा और गाजियाबाद के बाद दिल्ली के स्कूलों में भी कोरोना के मामले मिलने लगे हैं, दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी, कोरोना केस मिलने पर बंद होगा पूरा स्कूल या पूरी विंग। दिल्ली से सटे नोएडा में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं संक्रमित, 24 घंटे में 44 लोग पॉजिटिव, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 121 तक पहुंचा। चीन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में चीन में 24,000 से ज्यादा संक्रमित मिले, करोड़ों लोग अपने घरों में कैद। बिहार के सीतामढ़ी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बड़ा बयान, कहा कोयला की कीमत में बढ़ोतरी के चलते आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में बिजली संकट गहरा सकता है, संकट से निपटने के लिए बैठक। गर्मी शुरू होते ही दिल्ली में पीने की पानी की परेशानी शुरू हो गई है, द्वारका में करोड़ों के फ्लैट्स में रहने वाले लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, एक आरडब्ल्यूए के मुताबिक 1400 से ज्यादा फ्लैट्स को हर दिन 700 लीटर के हिसाब से 1,000,000 लीटर पानी की जरूरत। एमपी के राजगढ़ में भारी जल संकट, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोग, सूख चुके हैं कुएं और हैंडपंप, बैलगाड़ी पर वाटर टैंक में पानी लाने को मजबूर है लोग। एमपी के कटनी में पानी की समस्या से परेशान है लोग, शिवराज सरकार की अमृत जल योजना अब तक नहीं मिल सक रही है लेकिन लोगों को आ रहा है पानी का बिल। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला, तेज हवा के साथ हल्की बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। दिल्ली में जल्द ही गर्मी बढ़ने का अनुमान है, मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 19 अप्रैल दिल्ली एनसीआर में लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ सकता है। मैदानी राज्यों में गर्मी से पहले पहाड़ों पर बढ़ी रौनक, भारी तादाद में पर्यटकों ने किया पहाड़ों का रुख, कालका शिमला हेरिटेज टॉय ट्रेन में लंबी वेटिंग। मॉनसून पर मौसम विभाग ने दी सबसे बड़ी खुशखबरी, इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून, जून से सितंबर तक औसत 868 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है, खेती में राहत मिलेगी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 51वां दिन है, रूस का दावा सीमा से सटे रूसी इलाकों में यूक्रेन ने बमबारी की, कम से कम 6 हमले किए गए, यूक्रेनी बमबारी में करीब 7 लोग घायल।
मारियोपोल में रूसी फौज के मुकाबले में डटे यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने मारियोपोल में विस्फोट की तस्वीरें जारी की। रूसी टैंक पर हमले का दावा। यूक्रेन का दावा, काला सागर में तैनात रूस का एक युद्धपोत मिसाइल से हमले में डूब गया है। पेंटागन ने यूक्रेन के दावों की पुष्टि की, लेकिन रूस का इनकार, कहा आग लगने से डूबा मॉस्कोवा युद्धपोत, मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यूक्रेन का दावा, खारकीव में 24 बच्चों समेत मारे गए 500 नागरिक। खारकीव के गवर्नर ने कहा अलग अलग रॉकेट लॉन्चर से रूस ने रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन के खारकीव में रूस का हवाई हमला, साल्टिवका इलाके के कई बहुमंजिला आवासीय इमारत तबाह की गई। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 लाख लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं, जिनमें 90% शरणार्थी बच्चे और महिलाएं। कर्नाटक के कद्दावर मंत्री ईश्वरप्पा आज सीएम बोम्मई को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ठेकेदार खुदकुशी मामले में मंत्री पर गाज गिरी है, बोले पूरी घटना की जांच होनी चाहिए, मेरी गलती है तो उसकी भी जांच हो। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, विधानसभा भवन के प्रदर्शन में शामिल हुए कई नेता। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। चन्नी बोले मुझसे जो पूछा वो बता दिया। जो मनु पूछा गया मैं बता देता, मैटर सब ज्यूडिशियस है। महाराष्ट्र में एमएनएस के मुस्लिम नेता और स्टेट सेक्रेटरी इरफान शेख ने पार्टी छोड़ी, राज ठाकरे के लाउडस्पीकर वाले बयान से नाराज है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।